हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं टॉपिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब देखिए, हम पढ़ना भी क्या है कि यहां पर देखिए, जैसे दो वायर्स हैं और दो वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है और दोनों वायर्स पैरेलल थे। हमने मान लिया करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, आई वन, वायर का नाम है पी क्यू और इसी के पैरेलल एक और वायर है, यहाँ पर हमने मान लिया इसको आर और ये एस यानी कि आर एस वायर, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो हमने मान लिया आई टू है। अब यहाँ पर पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है तो हमने दोनों के बीच जो गैपिंग है डिस्टेंस वो हमने मान लिया आर एस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो पी क्यू और ये आर एस दोनों लाइन दोनों वायर पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, इसके डेरिवेशन को पढ़ने से पहले आपको बताते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। देखिए बेसिक में क्या है, नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट आपने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए कोई वायर है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ना हमको। अच्छा, एक और बात, इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू आपको डिफाइन करनी है तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ठीक है ना। आई यहाँ पर क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है, और आर क्या होता है, उस वायर से किसी भी पॉइंट पर जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा है उसके डिस्टेंस, यानी कि इसमें मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर फॉर्मूले में आर यहां पर क्या डिस्टेंस है, और ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या पढ़ना आपको, मान लीजिए अगर एक वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमने ऐसे प्लेस पर जाकर लगा दिया है, रख दिया है जहां पर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें हमने एक और वायर ला के रख दिया यहाँ पर, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो फिर इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है आई बी एल साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर आई क्या है, फ्लोइंग करंट, बी क्या है, जिस फील्ड में हमने उस वायर को रखा है, एल क्या होता है, उस वायर की लेंथ होती है, और थीटा यहाँ पर क्या एंगल है। नॉर्मली आप इसमें इस कंडीशन में आप एंगल ले लेंगे 90, आपका बन जाएगा एफ इज इक्वल टू आई बी एल, ठीक है ना। अब देखिए, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पी क्यू और आर एस में करंट फ्लो हो रहा है आई वन एंड आई टू, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना होगा लैंग्वेज। लेट आई वन एंड आई टू बी द फ्लोइंग करंट इन वायर पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि आई वन है जो करंट वो पी क्यू के लिए, और जो आई टू करंट है वो है आर एस वायर के लिए, ठीक है। अब देखिए, दोनों के बीच गैपिंग आर है, इसको हमें याद निकालने की लैंग्वेज में लेट स्मॉल आर बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच जो गैपिंग है वो कितनी स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सिंस अगर पी क्यू वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए इसमें हम लगाएंगे बेसिक प्रॉपर्टी फर्स्ट, इसमें कि अगर पी क्यू में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो हमने मान लिया कि जो पी क्यू है जिसमें करंट आई वन फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है आर एस पर बी वन, ठीक है ना यहाँ पर, और यहाँ हमने बना दिया क्रॉस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है बी वन और सिंबल क्या है, क्रॉस का। यहाँ पर बी वन क्या है, बी वन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि पी क्यू वायर अप्लाई कर रहा है कहाँ पर, आर एस वायर पर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्रॉस का साइन, वो क्या होता है, वो है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो हमारा थंब है वो होगा डायरेक्शन किसके, करंट के डायरेक्शन में होगा, और हमारे फोर फिंगर्स हैं जिस पॉइंट पर हमें मालूम करना है, ठीक है ना। तो राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो हमारी कहाँ जाएंगी, इन साइड जाएंगी, अंदर साइड जाएंगी। तो यहाँ पर आपको दिखा देंगे क्रॉस, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर इसको लिख देंगे सिंस मैग्नेटिक
फिर ऑन वायर RS ड्यू टू वायर PQ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर RS, यानी कि RS पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, यानी कि B1, और कौन अप्लाई कर रहा है ड्यू टू वायर PQ, जो कि अप्लाई कर रहा है PQ, उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होगी B1 is equal to mu naught I upon 2 pi R फॉर्मूले से। अब देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर आपको करना पड़ेगा I1, क्योंकि PQ वायर जो अप्लाई कर रहा है उसमें करंट कितना है I1 है, यहाँ पर लगा दिया हमने I1, और PQ की जो RS से डिस्टेंस वो कितनी है R है फिगर में, यहाँ पर हमारा आ गया R, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका पहला वाला अप्लाई किया गया है, ठीक। ध्यान रखिए यहाँ पर I1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है उसका यहाँ पर हम देखते हैं करंट, यहाँ पर कौन अप्लाई कर रहा है PQ वाला पार्ट अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर I1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको मैंने मान लिया फर्स्ट नाउ। अब देखिए PQ ने तो अपना काम कर दिया, PQ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है RS पर। अब इस RS वायर की हम बात करें तो देखिए आपको ऐसा देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और वहां पर एक ऐसा वायर रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पर RS वायर में करंट फ्लो हो रहा है I2, और इस RS वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो कि B1 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, वैल्यू क्या होती है फोर्स की IBL साइन थीटा या फिर IBL अगर हम थीटा को 90 मान लेते हैं तो। और इस फॉर्मूले में I क्या होता है उस वायर में जो करंट फ्लो होता है वो होता है I, ठीक है। B क्या होता है जिस फील्ड में उसको रखा गया है। तो देखिए अब जैसे अभी RS फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर RS को यूज करेंगे तो जहां पर I आ रहा है वहां पर क्या आएगा I2, जहां पर B आ रहा है वहां पर क्या आएगा B1, ठीक है। यहाँ पर दिखा देंगे हम नाउ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन वायर RS इज गिवन बाय अब देखिए यहां पर तो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे L इज इक्वल टू I2 P1 L साइन थीटा। I2 यहां पर क्या आ रहा है जो कि RS में करंट फ्लो हो रहा था, B1 क्या है जो कि RS में मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, L यहां पर क्या है लेंथ मान लिया हमने। तो अब दिखा देंगे यहां पर L यहां पर क्या है लेंथ ऑफ वायर RS, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए यहां पर अगले स्टेप क्या करेंगे हम F इज इक्वल टू I2 यहां पर लिखा है B1 और देखिए इक्वेशन फर्स्ट में B1 की पूरी पूरी वैल्यू हमें मालूम है तो हम B1 की वैल्यू यहां पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा μ0 I1 2 pi R, ओके। तो I2 हो गया B1 हो गया यहां पर क्या लिखा है L यहां लगा देंगे L और हमने साइन थीटा को कितना मान लिया 1 टेकिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज एंगल 90 है, ठीक है। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू μ0 2 pi I1 I2 upon R, ठीक है ना। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर लेट कर ले L इज इक्वल टू 1 मीटर मान लिया हमने कि जो RS है उसके लेंथ हमने मान ली 1 मीटर तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फॉर्मूला F इज इक्वल टू μ0 2 pi I1 I2 upon R। ये हमारा आ जाएगा फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि PQ अप्लाई कर रहा है RS पर। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं कि जो RS है वो भी PQ पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नोट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दो बातें। नंबर फर्स्ट इफ I1 एंड I2 आर इन द सेम डायरेक्शन देन तब यहां पर क्या होता है तब यहां पर वर्क करता है अट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड। अगर दो पैरेलल वायर है और दोनों में करंट अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है जैसा कि हमारे फिगर में है, लेकिन कंपलसरी तो ऐसा हमेशा नहीं होगा ना कि I1 I2 दोनों सेम होंगे। क्या पता I1 ऊपर जा रहा और I2 नीचे आ रहा, देन तब देखिए यहां पर क्या होगा। नंबर सेकंड इफ I1 एंड I2 आर इन द अपोजिट डायरेक्शन
देन रिपल्सन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज अगर I1 ऊपर फ्लो हो रहा है, I2 नीचे आ रहा है, या फिर I1 नीचे आ रहा है, I2 ऊपर आ रहा है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वहां पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। फिलहाल हमारे फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहां पर क्या सेम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले से आप 1 एम्पीयर, ध्यान रखिएगा फिर से क्या कह रहे हैं आपसे, इस फॉर्मूले से आप 1 एम्पीयर की डेफिनेशन को भी आप डिफाइन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये डेरिवेशन आता है, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।